जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। सो आज एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया एचपीपीएससी शिमला के द्वारा। तो आई होप आप सभी का एग्जाम काफी अच्छा गया हो। काफी ज्यादा बच्चों के द्वारा जो है वो कमेंट किए जा रहे थे कि जल्दी से सर इसकी आंसर की हमें आप प्रोवाइड करवाएं। तो हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा हमें इस पेपर को जो है वो उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया। तो हम आपके साथ जो है वो आंसर की जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो ये सीरीज बी हमारे पास रहने वाली है। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं। सीरीज बी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके जीके के सेक्शन को हम कवर करेंगे। सीरीज बी में जीके आपका 71 क्वेश्चन से लेके 90 क्वेश्चन तक आपका ये रहा था। तो हम यहां से जीके जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपने जीके को जरूर चेक कीजिए और शेयर कीजिए कि कितने आंसर आपके बिल्कुल सही रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास काफी अच्छा इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन, रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। चार ऑप्शन थे, पीर पंजाल, धोलाधार, जास्कर श्रेणी या फिर शिवालिक श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास पीर पंजाल श्रेणी। अटल टनल जो है वो किस श्रेणी के ऊपर बनाई गई है, पीर पंजाल श्रेणी के ऊपर बनाई गई है। दर्रा कौन सा है, रोहतांग दर्रा है, रोहतांग पास जो है वो इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए 71 क्वेश्चन का इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, व्हेन वाज शिमला रेडियो स्टेशन सेटअप, शिमला रेडियो स्टेशन कब स्थापित किया गया था। शिमला में जब पहली बार ऑल इंडिया की तरफ से रेडियो स्थापित किया गया तो 1955 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखें 1955 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहना है। उस समय इसका नाम जो था वो ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था, बाद में इसका नाम जो है वो हिमाचल के अंतर्गत जो है वो रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था। विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी यानी कि शहद के उत्पादन के लिए किस घाटी को जाना जाता है। तो चंबा घाटी को जाना जाता है। ये आपको हमारे एचआरटीसी के ऑनलाइन बैच में आपको ये क्वेश्चन करवाए गए थे। डेली हमारी रात को इवनिंग में 8 बजे जो आपकी क्लास लगती थी, लगातार एक मंथ से ज्यादा हमने आपको रेगुलर क्लासेस दी है, उन सभी क्लासेस में ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाए गए थे। तो शहद उत्पादन के लिए जो है वो चंबा घाटी ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस वॉज कॉल्ड एज नगरकोट इन इंसिडेंट पीरियड ऑफ हिमाचल प्रदेश, नगरकोट के नाम से किसे जाना जाता था। इजी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को, कांगड़ा को जो है वो किस नाम से जानते थे, नगरकोट के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन डी जो था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पद्मश्री अवार्ड 2022-23 के विनर कौन है हिमाचल प्रदेश से। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, कृष्ण लाल, केदार ठाकुर, कुलभूषण या फिर नेक राम शर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन है नेक राम शर्मा, ऑप्शन डी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के रहने वाले हैं, उनको 2022-23 में जो है वो पद्मश्री अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अरेंज करना था हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ से साउथ में। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके बेसिकली माइंड पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको तभी आप इसको कर सकते हैं जब आपको हल्का सा मैप का नॉलेज होगा। हिमाचल के मैप का अगर आपको नॉलेज है तो देखिए, सबसे पहले चार ऑप्शन जो आपके पास जिले दिए गए थे, मंडी, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर, तो सबसे ऊपर जो है वो कौन सा जिला आता है, कांगड़ा आता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको जाना है, उत्तर से दक्षिण दिशा में आप जाएंगे, उत्तर से दक्षिण। तो देखिए, कांगड़ा पहले आता है, उसके बाद कांगड़ा से जस्ट थोड़ा सा आप नीचे आइए, कांगड़ा के बाद आपके पास आएगा मंडी, मंडी से थोड़ा सा आप पीछे आइए, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेता हूं, मंडी से थोड़ा अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शिमला आ जाएगा, और उससे नीचे आ जाएंगे तो सिरमौर आ जाएगा। तो देखिए, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा यानी कि तीन पहले है, उसके बाद मंडी है, फिर एक है, फिर शिमला है यानी कि टू, और सिरमौर यानी कि 3124, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आपका मैप के अकॉर्डिंग होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहां पे आपको जो है वो मैच करना था, मैं हिंदी वाले इसके सेक्शन से करवाता हूं आपको। देखिए, मिलान आपको करना था कि कौन सी परियोजना जो है वो किस नदी के साथ जुड़ी है। तो देखिए, यहाँ पे हिंट आपको मिल जाएगा,
अगर बाकी अगर आपको नहीं भी पता है, चमेरा जो है ये आपकी कहाँ है, चंबा में है, चंबा में रावी नदी जाती है। सी जो है वो सेकंड के साथ जुड़ा है। नाथपा झाकड़ी परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 मेगावाट किन्नौर की योजना है, ये सतलुज के साथ जुड़ी है। और पंडो डैम कहाँ पे है आपका, मंडी में है, जो कि ब्यास से जुड़ा है। तो अगर मैं ए को चेक करूं, ए का थर्ड आएगा तो ए का थर्ड जो है वो कहाँ पे है, एक यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपके कट हो गए। उसके बाद जो डी है, पंडो जो है वो आपका फर्स्ट आएगा, यानी कि डी जो है वो आपका फर्स्ट को आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड है, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ये भी आपको हिंट था कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सूचकांक सुशासन सूचकांक 2021 में हिमाचल प्रदेश के शीर्ष तीन जिले जो है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो तीन जिले जो है वो इसका राइट आंसर है कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना। यहाँ पे बेसिकली हमीरपुर को भी प्राइस जो है वो मिला है, कांगड़ा उसमें सबसे नंबर वन पे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्लिक्ट है यहाँ पे ऑप्शंस में, हमीरपुर भी आई थिंक यहाँ पे आंसर होना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे जाएगा। बाकी इसको हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कृषि परिचालन के अधीन कौन सा क्षेत्र आता है। तो कृषि परिचालन में कितने लाख हेक्टेयर की भूमि की जो है वो बात की गई है, तो लगभग यहाँ पे 21 लाख हेक्टेयर की बात की गई थी, तो अप्रोक्सीमेटली ये इसके आसपास है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, 23.04 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 80, राज्य की प्रति व्यक्ति आय 201,271 होने का अनुमान है, जो कि 21-22 के अनुमानित राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से किस प्रकार है। तो इसका राइट ऑप्शन था 51,264, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जीके का सेक्शन आपका मॉडरेट लेवल का था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, एवरेज लेवल आप मान सकते हैं। ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है, ये आपको करवाया गया था करंट अफेयर के सेशन में अभी हाल ही में 2023 में एशियाई पैरा ओलंपिक खेल जो है वो हुए हैं, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने 111 पदक जीते हैं और वो फोर्थ स्थान पे जो है वो भारत रहा है, पूरे अगर वर्ल्ड की मैं अगर बात करूं तो चौथे स्थान पे रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो कौन सा है, वो है 10 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, इसका जो है वो सी ऑप्शन रहेगा, इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का प्रोजेक्ट, फरक्का परियोजना का संबंध किससे है, तो ये आपका गंगा नदी से है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये आप चेक कर लीजिए कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर से अरेंज करने की बात की गई थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको जाना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है। तो देखिए, ब्यास नदी कहाँ बहती है, हिमाचल में, इसलिए हिमाचल का स्थान पहले है, तो ब्यास नदी तो सबसे पहले नंबर पे आ गई, ठीक है, फर्स्ट जो है वो पहले पे आएगा। अब देखो फर्स्ट कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे पहला नंबर है, एक यहाँ पे है, यानी कि बी और सी तो हो नहीं सकते। उसके बाद देखिए, लूनी नदी की बात करते हैं, तो ये बेसिकली राजस्थान की तरफ से आती है, क्योंकि जिसमें क्या है, नमी ज्यादा है और साथ में जो है नमक की तरह जो है यहाँ पे नमकीन पानी जो है वो आता है, तो राजस्थान के एरिया से आती है। तो हिमाचल के थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, राजस्थान के एरिया टच होता है, तो यानी कि फर्स्ट के बाद थ्री आएगा, तो फर्स्ट के बाद थ्री और यहाँ पे फर्स्ट के बाद फोर है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 85 क्वेश्चन है, आपको मैच करना है अब इनको। देखिए ये भी इजी है, हिंट से ही पता चल जा रहा है, भोजपुर जो है वो कहाँ पे है, बिहार में है, और रायपुर किसकी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो बी और सी का तो डायरेक्ट है, तो फर्स्ट का ए आएगा, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन था, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहा है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी 3-4 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो अभी सर्दियां चली हैं, हिमाचल में सर्दियां हैं, सर्दियों का सीजन है, कौन से राज्य में बाढ़ आई है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु में हाल ही में अभी 3 या 4 दिन पहले जो है वो बाढ़ आई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट, गाजा पट्टी का संबंध किससे है? तो गाजा पट्टी का संबंध जो है वो आपका भूमध्य सागर से है। ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इजराइल की जो पार्लियामेंट है इजराइल की यानी कि जो विधायिका है उसका नाम क्या है? उसका नाम है केनेसेट। केनेसेट यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है, ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान का जो पुराना नाम था वो था फार्मोसा। फार्मोसा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 90 क्वेश्चन जीके के सेक्शन से। इसमें देखिए क्वेश्चन में हल्का सा कुछ कन्फ्लिक्ट यहाँ पे मान के चल सकते हैं। कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में है? तो देखिए सिलाई मशीन, बिजली का पंखा, घड़ी या फिर घड़ी में सेकंड की सुई। तो देखिए सारी की सारी वस्तुएं जो है वो गति करती हैं, लेकिन अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी चीज गति नहीं कर रही है। अगर यहाँ पे ऐसे दिया जाता कि चलता हुआ पंखा या कपड़े सिलते हुए मशीन या फिर घड़ी में जो है अभी 10 बजे हैं, फिर उसके बाद 10 बज के 20 मिनट हो गए। तो देखिए मूवमेंट की बात नहीं की गई है यहाँ पे, मोशन की बात तो नहीं की गई है। यहाँ पे जो अभी ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन जो है वो मैं आपको नहीं यहाँ पे टच करवा सकता। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है, बाकी जो है वो इसको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है वो हम चेक कर सकते हैं। तो एक सारा का सारा हमने जीके का सेक्शन आपके साथ शेयर किया। जल्दी ही इसके नेक्स्ट पार्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग ये सारे या फिर एचआरटीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो भी मैं जल्दी ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।